क्या है आज का स्पेशल दिन? आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। हमारे कपड़ों से समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे में गाड़ी चला के जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे होंगे। कैश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक घंटे में पहुंच जाएंगे और वहाँ बहुत ही आज मौज मस्ती फन करने वाले हैं हम लोग। तो हमारे घर से एक घंटा दूरी पर एक बीच है जिसका नाम है सैंडी पॉइंट स्टेट पार्क। वहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा सा बीच है, तो वहाँ बहुत दिन से बच्चों को ले जाने का सोच रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था। सोचा अब जो है गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, इसके बाद जो टाइम है वो एक साल बाद मिलेगा, तो हम आज निकल पड़े हैं अपना पूरी तैयारी के साथ। हमारे और दोस्त भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जो कि वो भी रास्ते में ही है आई थिंक। सो हम लोग लगभग एक साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर देखते हैं क्या मौज मस्ती मज़ा करेंगे। आप लोग साथ में रहिए, बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो टू किड्स टू एडल्ट्स। यू टू, थैंक यू। बंद है, सो वी हैव टू गो दिस वे। अब आगे आज संडे का दिन है, मौसम बहुत अच्छा है, कोई चांस ही नहीं कि आपको भीड़ ना मिले। तो सारे लोग पहुंच गए भैया, हमारे सारे दोस्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर। फोटो वीडियो वीडियो फर्स्ट टाइम बीच ओह माय गॉड लाइक बीच। ये कौन है, ये छोटू कौन है? हेलो हेलो यहाँ लोग बहुत मज़ा करते हैं, ग्रिल ये सब कुछ चलता रहता है यहाँ पर। बच्चों का एक छोटा सा ये पार्क भी है, लग रहा है कुछ फ्लाइट वगैरह है यहाँ पर। यहाँ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर अपने साथ में ले आते हैं, वॉलीबॉल या फिर कुछ भी ऐसे ही बीच बॉल समथिंग। लाइफ गार्ड जो है ऐसे छोटे छोटे गाड़ियों में घूमते रहते हैं यहाँ पर इधर से उधर। ये कृष की पहली बीच। तो वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, उसके ऊपर से हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ से बीच नज़र आ रही थी। तो फैमिली जो है बहुत सारे फैमिली यहाँ पर आई है, देख रहा है काफ़ी भीड़ हुआ। बच्चे अंदर जा चुके हैं, पहली था अपना वो डॉल्फिन लेकर। अरे ना सर, टर्न दैट डॉल्फिन अराउंड, जैसे हाँ फ्रेंड, यस गो। ओ माय गॉड, हु आर यू डूइंग? मौसम बहुत ही सही है, एक तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है तो टेम्परेचर बहुत अच्छा है। वहाँ पर लाइफ गार्ड भी लगी है, सो मैनी पीपल।
यहाँ पर जो है खाने का पूरा इंतजाम शुरू हो चुका है, तो हम लोग अपने छोले पूरी वूरी सब साथ लेके चलते हैं। सारे फैमिली हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ लेके आए। मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। अचार लाके तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, हमारे पास छोले चावल, छोले नहीं है राजमा है, सॉरी राजमा है, और रोटियाँ भी हैं, और इधर जो है पूरी का अल्टरनेटिव लाए हैं हमें, आलू की सब्जी अचार। तो ऐसे सारे लोग कुछ ना कुछ खाने का सामान जो है भर भर के लाते हैं। पूरा किला बना दिया बच्ची के ऊपर, सारे बच्चों ने मिलके किला बनाया। मैं अब आपको एक ऐसे वॉक कराता हुए ले चलता हूँ, देखते हैं, क्योंकि हम एक ही स्पॉट पर बैठ के बस अपने लोग मस्ती कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं। बहुत मज़ा आया, तो वेदर बहुत अच्छा था। और लकली आज जो है धूप नहीं निकली थी, सिर्फ बादल थे, रोशनी बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत मज़ा आया। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब धूप इतने खुले में धूप होती है ना, बहुत तेज़ धूप, तो उसमें भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कितने लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर, कितना इन्जॉयमेंट चल रहा है, कितना इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और आज हम भी यहाँ पर 3 साल बाद हम किसी बीच पर आए हैं। एक्चुअली हम भी पिछले कई उसमें आ ही नहीं पाए। तो वहाँ पर जो एरिया है वो पूरा, उस तरफ भी लोग बैठकर अपने कुछ ग्रिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा पका रहे हैं वहाँ पर बैठकर। बहुत सारे जो टेंट आप देख रहे हैं वहाँ ब्लू टेंट लगे हैं, और उसके उधर पीछे वहाँ पर और पीछे पार्किंग है, और यहाँ पर लोग फुल मस्ती। और मोस्टली यहाँ फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सब आते हैं यहाँ पर अपना मौज मस्ती करने। यहाँ पर कुछ ऐसे थोड़े बहुत कार्ट्स भी घूम रहे हैं, जिसमें कि कुछ खाने पीने का सामान बिक रहा है, पानी के अंदर। अलीजा ने बहुत मज़ा किया है। किसी ईगल जो आप परिंदे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत मिलते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें काफ़ी हैं, लोग यहाँ आते हैं तो जो खाने का सामान है बहुत रहता है। तो ऐसे जैसे हमारे होता है ना बंदर, जैसे अगर कहीं घूमने की जगह पर जाओ तो वहाँ जहाँ खाने का सामान बहुत होता है तो वहाँ बंदर बहुत दिखते हैं, उस तरह यहाँ पर सी ईगल बहुत दिखते हैं बीच पे। पानी भी है और खाने का सामान भी है। चलो भाई, हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ हमारा अड्डा लगा हुआ है, सारे लोग बैठे हैं। ये है हमारा अड्डा। तो ये जो है वैक्सीनेशन का बूथ लगा है, यहाँ पर वैक्सीन ले सकते हैं कोई चाहे तो। वैक्सीन ऑफर्ड हेयर। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश शुरू हो गई है और हम लोग बस अपना टंडीला लेकर फटाफट भाग रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं हम लोग, निकल रहे हैं। एंड हो गया आज का जितना मौज मस्ती फंसा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो अब हम लोग सैंडी पॉइंट स्टेट पार्क से बाहर निकलते हुए, अगर आप देखेंगे तो ये जो सारा एरिया है ये स्टेट पार्क का ही है। बारिश की बूंदें आप देखते हैं, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इधर, सनी भी नहीं था, पार्टली क्लाउडी था, तो ना बहुत गर्मी थी ना ठंड थी, पानी वार्म था, अच्छा पानी था। टाइमिंग भी अपनी बहुत सही थी, बारिश शुरू होने से पहले पहले अपना पूरा हो गया बिल्कुल, और अब बारिश रहेगी पूरे टाइम। तो हम यहाँ 3 घंटे हमने बिताए आराम से, बहुत अच्छे दिख रहे। तो स्टेट पार्क भी बहुत खूबसूरत है, काफी बड़ा है, बेहद खूबसूरत।